एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। जिसके जिस्म पर खाकी वर्दी होती है उसे लोग सम्मान और भरोसे की नजरों से देखते हैं, लेकिन शाहजहांपुर के एक थाना अध्यक्ष की करतूतों ने खाकी के उस सम्मान और भरोसे को खराब करने का काम किया है। सीएम के आदेश पर पति पत्नी के विवाद का धोखा देकर उठाया फायदा। फरियाद लेकर पहुंची महिला को बनाया शिकार। ये महिला बदायूं की रहने वाली है, जिसका पिछले कुछ सालों से अपने पति से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के दौरान अपने केस की पैरवी के लिए वो शाहजहांपुर के पूर्व कप्तान अध्यक्ष सुनील शर्मा के पास फरियाद लेकर जाती थी। आरोप है कि इसी दौरान दरोगा सुनील शर्मा ने पीड़िता का मोबाइल नंबर लिया और फिर उसे मदद का भरोसा दिलाता रहा। आरोप है कि एक दिन पीड़िता पैरवी के लिए कलान थाने जाने के लिए रास्ते में खड़ी थी, तभी पूर्व कलान थाना अध्यक्ष सुनील शर्मा वहां गाड़ी लेकर पहुंचा और उसके साथ चलने को कहा। इसके बाद उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई और जब पीड़िता बेहोशी की हालत में हो गई तो आरोपी दरोगा सुनील शर्मा ने उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वारदात के करीब 3 घंटे बाद जब महिला होश में आई तो खुद को सुनसान इलाके में पाया। पति पत्नी के विवाद में थाने जाती थी महिला, मदद के नाम पर फोन पर करता था बात, धोखा देकर बलात्कार करने के महिला के आरोप, नशीला पदार्थ पिलाकर महिला से किया रेप, अश्लील वीडियो बनाकर बार बार किया बलात्कार। पीड़ित महिला का आरोप है कि इस दौरान उसका अश्लील वीडियो भी बनाया गया, जिसके बाद वो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बार बार रेप की वारदात को दोहराता रहा। पीड़िता ने कई बार मामले की शिकायत जिले के उच्च अधिकारियों से भी की, लेकिन मामला विभाग का होने की वजह से किसी ने भी उसकी शिकायत दर्ज नहीं की और महिला कई महीने तक भटकती रही। जब महिला को कहीं न्याय नहीं मिला तो उसने लखनऊ में सीएम के दरबार में फरियाद लगाई, जिसके बाद सीएम ऑफिस से शाहजहांपुर के अधिकारियों को आरोपी दरोगा के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश जारी हुए। तो अधिकारी हरकत में आए और अब पीड़िता की शिकायत पर आरोपी दरोगा सुनील शर्मा के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज किया गया। महिला थाने पर एक FIR पंजीकृत कराई गई है। एक आवेदिका है बदायूं की, उनकी तरफ से एक उम्र निरीक्षक पर तारीख पर आने के दौरान शारीरिक शोषण किए जाने का इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और निष्पक्ष विवेचना की जा रही है। साथ ही निष्पक्ष विवेचना किए जाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से इस विवेचना को किसी अन्य जनपद स्थानांतरित करने का अनुरोध भी किया गया है। पूर्व में भी इन आवेदिका के द्वारा इस उप निरीक्षक पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जो अन्य जनपद से विवेचना जिसकी होकर उसमें भार प्रेषित है। इस अभियोग को पंजीकृत करके इसमें निष्पक्ष विवेचना की जा रही है और जो भी तथ्य होंगे उनके आधार पर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस ने आरोपी दरोगा के खिलाफ केस तो दर्ज कर दिया है, लेकिन वर्तमान में जलालाबाद कोतवाली में तैनात आरोपी दरोगा सुनील शर्मा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। महिला का आरोप है कि इससे पहले भी वो उसके साथ बलात्कार कर चुका है, जिसकी रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी, लेकिन आरोपी दरोगा ने अपने हनक के दम पर उस केस में फाइनल रिपोर्ट लगवाकर मामला खत्म करा दिया। खाकी के दामन पर बदायूं की इस महिला के आरोप इसलिए भी बेहद गंभीर है क्योंकि वो अपने पति से पीड़ित थी और न्याय की आस में पुलिस पर भरोसा कर थाने पहुंची थी, जहां उसे एक और साजिश का शिकार होना पड़ा, जबकि इस मामले में अभी भी अधिकारी
लापरवाही बरत रहे हैं। शाजापुर से शशांक पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।